देश में आज धूमधाम से मनाया जा रहा है रक्षाबंधन का त्योहार। उज्जैन में बाबा महाकाल को बांधी गई राखी, भस्म आरती के बाद 1.25 लाख लड्डुओं का भोग लगा। आज देश के 14वें उपराष्ट्रपति के तौर पर शपथ लेंगे जगदीप धनखड़। राष्ट्रपति भवन में कार्यक्रम होगा, सीएम योगी और सीएम धामी शामिल होंगे। दिल्ली में आज गृहमंत्री अमित शाह से मिल सकते हैं सीएम योगी। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष को लेकर हो सकती है चर्चा, सूत्रों के हवाले से खबर। बीएल वर्मा हो सकते हैं यूपी बीजेपी के नए कप्तान। दागी अफसरों को फील्ड से हटाने की तैयारी, संवेदनशील अधिकारियों को किया जा रहा है चिन्हित, स्वच्छ छवि वाले अफसरों को किया जाएगा तैनात। अब्बास अंसारी को पुलिस ने कोर्ट में भगोड़ा घोषित करने की अर्जी डाली, आज कोर्ट में सुनवाई की तारीख तय होगी। पिछले 3 दिनों से पुलिस लगातार दबिश दे रही है, लखनऊ, गाजीपुर, मऊ और दिल्ली में दबिश। परीक्षा से पहले पकड़ में आएंगे फर्जी डिग्री वाले, डिग्री को पहले ही ऑनलाइन सत्यापित किया जाएगा, बोर्ड और विश्वविद्यालय से ऑनलाइन सत्यापित किया जाएगा। श्रीकृष्ण जन्मभूमि और शाहीदगाह मामले में आज सुनवाई होगी। इलाहाबाद हाईकोर्ट में एसआई सर्वेक्षण को लेकर दाखिल की गई याचिका, शाहीदगाह परिसर में सर्वेक्षण की मांग। श्रीकांत त्यागी के समर्थन में त्यागी समाज के लोगों का प्रदर्शन, श्रीकांत पर गैंगस्टर एक्ट हटाने की मांग। गाजियाबाद के लोनी में अवैध हुक्का बार पर छापेमारी, पुलिस ने 2 लोग हिरासत में लिए, छापेमारी के दौरान कई लोग फरार। हरदोई में 2 समुदाय में विवाद के बाद जमकर चले पत्थर, तमंचा लेकर सरेआम दहशत फैलाने की कोशिश के बाद मौके पर पहुंची पुलिस। हरदोई के पाली कस्बे में विवाद हुआ, स्थानीय लोगों के मुताबिक इलाके में तिरंगा यात्रा निकालने से भड़के दूसरे समुदाय के लोगों ने हमला किया, हालांकि पुलिस ने इनकार किया। यूपी के आजमगढ़ में स्वतंत्रता दिवस से पहले हाई अलर्ट, जिले के 42 जगहों पर आकस्मिक चेकिंग, बाहर से आने वाले और किरायेदारों की जांच होगी।